अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि अपने सेटअप की मैंने कुछ अपडेट आपको देनी थी। सेटअप के ऊपर बहुत ही अफसोसनाक वाक्य हो गया मेरे साथ। हुआ कुछ इस तरह के, रात को मैंने चूज़े बंद किए जो आयरन कहा जाता है ना उसमें, तो एक दिन ऐसा हुआ कि रात को ना एक चूज़ा बिल्ली निकाल कर ले गई। मैंने कहा शायद कोई ना हेर वेर हो गया, छत से किसी ने उठा लिया। तो मैंने फिर कल रात को छत पे सोने का ऐसे मेरा मूड हुआ, गर्मी थी नीचे, मैं छत पे आके सो गया तो मुझे ना आवाज़ें आई ये चूज़ों की। जब मैंने चित को जाकर देखा तो दो चूज़े मेरे मरे हुए थे, जिनमें एक हीरा का बच्चा वो ले गई हुई थी निकाल के, तो एक वो उसने अंदर ही मार दिया था, दो बल्कि अंदर मारे थे, बाकी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। मैं आपको एक ही बात इसमें बताऊँगा जो मेरे लिए मेरे साथ हुआ है, वो आप लोगों के साथ ना हो। वो ये है कि अभी भी इस पिंजरे में अपने चूज़ों को या चीज़ को बंद न करें। अगर करना है तो इस कैच को आपने दीवार पे लगाना है ताकि बिल्ली वहाँ तक ना पहुँचे। अगर बिल्ली पहुँचगी तो आपके जो उसमें जो भी परिंदे बर्ड्स चिप्स हैं वो ज़ख्मी होने ही होने हैं, ठीक है। अब मैं आपको कैच दिखाता हूँ कि इतना आवाया होगा बीच में जिसमें से वो चूज़ा निकाल कर ले गई है। तकरीबन मेरे कोई लगा लें 6-7 हज़ार रुपये के चिप्स थे जो बिल्कुल किसी काम के नहीं रहे। अब दो ज़ख्मी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो किस हालत में है। पल तो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अगर मेरे रब ने चाहा तो वो ज़रूर, लेकिन जो तकलीफ़ उनको है तो वो उनको ही बताना। लगा लेंगे एक हिसाब से ना वो मजबूर हो गए। तो बताने का मकसद ये है कि कभी भी आपने छत के ऊपर ऐसे नीचे नहीं ज़मीन पर नहीं वो पिंजरा रखना, अगर रखेंगे तो बिल्ली कार्रवाई डाल जाएगी। चले मैं आपको दिखाता हूँ कि वो उसने क्या कार्रवाई डाली है। अभी भी इस पिंजरे में अपने चूज़ों को या चीज़ को बंद न करें। अगर करना है तो इस कैच को आपने दीवार पे लगाना है ताकि बिल्ली वहाँ तक ना पहुँचे। अगर बिल्ली पहुँचगी तो आपके जो उसमें जो भी परिंदे बर्ड्स चिप्स हैं वो ज़ख्मी होने ही होने हैं, ठीक है। अब मैं आपको कैच दिखाता हूँ कि इतना आवाया होगा बीच में जिसमें से वो चूज़ा निकाल कर ले गई है। तकरीबन मेरे कोई लगा लें 6-7 हज़ार रुपये के चिप्स थे जो बिल्कुल किसी काम के नहीं रहे। अब दो ज़ख्मी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो किस हालत में है। पल तो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अगर मेरे रब ने चाहा तो वो ज़रूर, लेकिन जो तकलीफ़ उनको है तो वो उनको ही बताना। लगा लेंगे एक हिसाब से ना वो मजबूर हो गए। तो बताने का मकसद ये है कि कभी भी आपने छत के ऊपर ऐसे नीचे नहीं ज़मीन पर नहीं वो पिंजरा रखना, अगर रखेंगे तो बिल्ली कार्रवाई डाल जाएगी। चले मैं आपको दिखाता हूँ कि वो उसने क्या कार्रवाई डाली है। दोस्तों आज हवा का ज़रा रुख बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो ये देखें इन चूज़ों को तो बहरहाल बिल्ली ने आज तक कुछ कहा नहीं है। ये उसी कैच में बंद होते थे। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ इन, ये भी मेरे जो चिक्स हैं ना ये भी बच गए हैं, ये क्योंकि ये जो बंद थे ना ये इस वाले कैच में बंद थे, इधर से कुछ भी नहीं हुआ। तो ये देखें ये मेरा वो कैच है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा कैच है जिसमें बिल्ली ने क्या किया, इस जगह पे मेरे दो चूज़े मरे भरे हुए थे। एक हीरा था माशाल्लाह से बल गया हुआ था, बड़ा दुख हुआ उसके साथ ये हुआ, ठीक है। दो चूज़े इधर से अब बिल्ली चूज़े निकाल कर गई है, इन दो लाइनों में से चूज़े निकाल के लेके गई है, समझ से बल गया। तकरीबन 6 चूज़े वो मेरे खा गया। मैं आपको दिखाता हूँ बस यूट्यूब वाले को क्या नाम कहते हैं उसको, कोई स्ट्राइक वगैरह ना दें कि मैं उनके खिलाफ वर्जी की है। ये देखें दोस्तों ये इसका पर बच गया हुआ, लेकिन ये एक तरफ से बाहर है, ये देखें पानी इसने ज़्यादा पी लिया हुआ। इसको हल्दी और वो लगा रहा हूँ तो माशाल्लाह से अब ये बेहतर है, खा पी रहा है। अब मैं जो आपको एक चूज़ा दिखाने लगा हूँ ना तो बहुत दुख की बात है मेरे लिए, बस अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी करे। मैं दिखाता हूँ, मेरा फेवरेट ये चिक्स था, स्लेटी का चूज़ा था जो मुझे मिला था किसी भाई से, ये मुर्गी थी बहुत प्यारा। पहले आप इसकी आँखों का शो करें, आँखें देखें इसकी माशाल्लाह से, आँखें देख रहे हैं। अब बिल्ली ने किया कि इसके साथ, ये देखें इसका पर ही नहीं है, एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें एक पर माशाल्लाह से, बाकी ये नीचे गिर गए। ये देखें इसका पर ही उतार के ले गए, बाकी ये चेक करें,
ये चूज़ा, ये मुर्गी ने इसका ख्याल किया हुआ। मुर्गी से पहले इनको लगा था कि इसके साथ वाला आएगा, जो बच्चा था वो मुर्गी ने मार दिया, दो बच्चे मार दिए। एक इस पीले मुर्गे का बच्चा था, वो पीला मुर्गा आपको नज़र आ रहा होगा, उसका बच्चा था, मार दिया। बाकी अब मैंने ये सोचा कि अगर इस पिंजरे में आपने चिक्स को रखना है ना, तो ये आप ज़मीन पे नहीं, इसको दीवार पे रखें। अगर दीवार पे रखेंगे तो आपकी बचत होगी, नहीं तो जो मैंने ये दिखा दिया ना, आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, चाहे वो सीलों के बच्चे हों देसी के हों, लेकिन जो नुकसान है वो नुकसान ही है, ठीक है। बाकी मैं अब इसको दिखाता हूँ आपको किस पिंजरे में रखूँगा। जो छोटे पिंजरे होते हैं ना, उनमें इंशाल्लाह ताला इनको मैं शिफ्ट करता हूँ, ताकि नक्शे मेरे साथ ऐसा वैसा कोई नुकसान ना हो। और ये मेरी मुर्गी चेक करें, ये कुर्क पे बैठी हुई है अभी, इसको मैंने खोला खा पी ले, और मैंने छत पे पानी भी लगाया ताकि ठंडी हो जाएगा। और अब मैं इसको बिठाता हूँ जाकर दोबारा ठंडे पे, और अंडों पे बिठाते हुए भी दिखाता हूँ आप दोस्तों को। तो दोस्तों ये इसके अंडे भरे हुए हैं, देखें ये आ गई है खुद ही, अभी ये बीच में जा कर बैठ जाएगी माशाल्लाह से। अब ये देखें ये मुर्गी, इसके नीचे हीरा के अंडे हैं, तीन हीरा के अंडे हीरा मा दी के, बाकी पीले मुर्गे के अंडे हैं, और तीन वाइट बैंटम के अंडे रखे हैं अवेलेबल ही यही थे। मैंने कहा चलो फिलहाल तो इसको बिठाते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। ये अंडे माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से सबको सेक दे रही है, हीटिंग दे रही है, इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा इसका रिज़ल्ट जैसे ही आएगा तो मैं आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। माशाल्लाह से ये देखें बिल्कुल इसने सेट वेट हो गए, एक दो मिनट लेने इसने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको ये देखें कवर कर रही है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये खुद ही नहीं उठती है खाने पीने के लिए, अगर मैं अंदर भी चीज़ें रख दूँ ना तो ये नहीं उठती, मुझे खुद ही इसको उठा के बैल ला के इसको बिट वगैरह करवानी होती है, फिर जाके ये मेल इसका, और ये वो मादी है, इसके अंडे हैं जो रखे हुए हैं, बाकी इसके भी अंडे रखे हुए हैं। इसके अंडे इस मुर्गी के साथ हैं, मियाँ वाले के साथ, अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी तीन अंडे बीच में दोस्तों कॉल आ गई थी, बाकी इस मुर्गी के मैं तीन अंडे रखे हुए हैं, अभी इकट्ठे हो गए, इसने अभी देना शुरू किए थे। जैसे ही इसके इसकी भी ब्रीड है ना, वो भी आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।